हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फाई सिद्दीकी। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल वेल्डिंग ऑल टिप्स पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ शील्डिंग गैस फॉर GMAW वेल्डिंग के बारे में, यानी के गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मैग वेल्डिंग में कौन कौन सी शील्डिंग गैस का यूज़ किया जाता है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मैग वेल्डिंग करने के लिए तीन प्रकार की शील्डिंग गैस का यूज किया जाता है। उसमें सबसे पहला जो प्रकार होता है उसे किनट गैस कहा जाता है, और दूसरा इसका जो प्रकार होता है उसे रिएक्टिव गैस कहा जाता है, और तीसरा जो प्रकार होता है उसे मिक्सचर गैस कहा जाता है। यानी कि मिग मैग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग करने के लिए तीन प्रकार की गैसों का यूज करके मेटल को वेल्ड किया जाता है। GMAW वेल्डिंग के लिए जो शील्डिंग गैस का इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो इनर्ट गैस होती है, यानी के जो आर्गन गैस और जो हीलियम गैस होती है उसे इनर्ट गैस कहा जाता है। इनर्ट गैस शुद्ध आर्गन तथा हीलियम गैस को इनर्ट गैस कहा जाता है, तथा आर्गन गैस तथा हीलियम गैस का उपयोग GMAW में नॉन फेरस मेटल को वेल्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हीलियम गैस की चालकता यानी के कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तथा आर्गन गैस से अच्छी उष्मा संचारण यानी के हीट ट्रांसमिशन करती है। इसलिए हीलियम गैस को मोटी धातुओं के साथ तांबा, एल्यूमिनियम जैसे उच्च चालकता धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। आर्गन गैस की चालकता बहुत कम होती है, इसलिए पतली या मोटी धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए आर्गन गैस का यूज किया जाता है, और आर्गन गैस हीलियम गैस 10 गुनी अधिक भारी होती है, तथा हीलियम गैस की तुलना में कम आर्गन गैस की आवश्यकता होती है। उपयोग की गई गैस के कारण वेल्डिंग सुंदरता तथा पेनिट्रेशन को प्रभावित करती है। आर्गन गैस से अच्छा पेनिट्रेशन प्राप्त किया जाता है, और हीलियम गैस से वेल्डिंग बीड मोटा तथा चौड़ा होता है, तथा आकृति में विभिन्न प्रकार की गैसों तथा मिश्रण गैस के साथ बने वेल के आकार को दर्शाया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैस हैं, और GMAW वेल्डिंग में बीड का आकार कैसे बनता है उसका जो निर्भर होता है वो गैसेस पर होता है, और बीड का आकार कैसे बनता है और बेस मेटल में पेनिट्रेशन कैसे आता है उसका जो निर्भर होता है वो गैस के प्रकार के अनुसार होता है। और GMAW वेल्डिंग के लिए DCRP यानी के डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलारिटी का यूज किया जाता है। GMAW वेल्डिंग यानी के मिग मैग वेल्डिंग करने के लिए जो दूसरे प्रकार की गैस होती है उसे रिएक्टिव गैस कहा जाता है, और जो रिएक्टिव गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और आर्गन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ज्यादा ताप चालकता होती है। CO2 गैस को आर्गन गैस की तुलना में ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि CO2 गैस भारी होने से वेल्डिंग एरिया को अच्छी तरह कवर करती है, और कम गैस की आवश्यकता होती है,
तथा CO2 गैस आर्गन गैस से सस्ता होता है और CO2 गैस से बनते वेल्डिंग बीड चौड़े तथा गहरे पेनिट्रेशन वाले होते हैं तथा अंडरकट नहीं बनती है तथा CO2 गैस बनते वेल्डिंग बीड का आकार सुंदर होता है। CO2 गैस से बनी आर्क वातावरण में अस्थिर होती है और ज्यादा स्पेटर बनते हैं, जिसको शॉर्ट आर्क लेंथ रखकर स्पेटर्स को कम किया जा सकता है और ऑक्सीजन को वेल्ड मेटल में से दूर करने के लिए डीऑक्सीडाइजर तत्व जैसे कि एल्यूमिनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन तत्वों को वेल्डिंग तारों के साथ मिलाया जाता है। शुद्ध CO2 गैस का उपयोग करते समय अच्छी हवा और प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि CO2 गैस जब आर्क में से निकलती है तब उसमें से 7-12% कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। आर्क की लंबाई के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की वृद्धि होती है। आर्गन तथा हीलियम गैस की अपेक्षा में CO2 गैस को 25% ज्यादा करंट का उपयोग किया जाता है। इस कारण से वेल्डिंग लाइन उत्तेजित हो जाती है और वेल्डिंग लाइन में कम पोरासिटी आती है। GMAW मिग मैग वेल्डिंग करने के लिए जो तीसरे प्रकार की गैस का यूज किया जाता है वो होती है मिक्सर गैस, यानी के दो गैसों को या उससे अधिक गैसों को मिश्रण करके जो गैस बनाई जाती है उसे मिक्सर गैस कहा जाता है। जैसे के आर्गन प्लस हीलियम, ये दोनों गैसों को मिश्रण करके एक गैस बनाई जाती है और दूसरा आर्गन प्लस हीलियम प्लस CO2, ये तीनों गैसों का मिश्रण करके एक गैस बनाई जाती है और उसे सिलेंडर में भरा जाता है। आर्गन प्लस CO2, आर्गन और CO2 गैस को मिश्रण करके एक गैस बनाई जाती है और उसके बाद आर्गन प्लस O2 यानी के आर्गन के साथ जो ऑक्सीजन गैस होती है उसे मिलाकर एक गैस बनाई जाती है, इसलिए इसे मिक्सर गैस कहा जाता है। मिक्सर गैस का यूज धातु के प्रकार तथा मोटाई के अनुसार मिक्सर गैस का यूज किया जाता है। मिक्सर गैस में आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सर गैस है, इसका उपयोग वेल्ड मेटल को ज्यादा तरल बनाती है। इस मिक्सर गैस से कार्बन स्टील को वेल्डिंग करते समय अंडरकट को दूर करती है और आर्क को स्थिर रखती है, स्पेटर्स कम आते हैं और मेटल ट्रांसफर को बढ़ाता है। मिक्सर गैस में आर्गन और ऑक्सीजन, आर्गन ऑक्सीजन मिक्सर गैस है। आर्गन ऑक्सीजन मिक्सर गैस का उपयोग लो एलॉय कार्बन तथा स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आर्गन के साथ जो ऑक्सीजन होता है वो 1-5% तक ऑक्सीजन का मिश्रण बीड की चौड़ाई तथा अच्छा आकार और अच्छा पेनिट्रेशन प्राप्त होता है। वेल्ड को फुबराव तथा वेल्डिंग लाइन को अधिक तरल बनाती है और अंडरकट दूर करती है, ऑक्सीजन आर्क को स्थिर करती है तथा जो स्पेटर को
काम करती हैं ऑक्सीजन मेटल के साथ मिलकर ऑक्सीडेशन करती हैं, मगर वेल्डिंग की मजबूती तथा दिखावट पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। लो एलॉय स्टील को वेल्ड करने के लिए 2% से ज्यादा ऑक्सीजन का यूज किया जाए तो डीऑक्सीडाइजर वाले महंगे इलेक्ट्रोड तार का उपयोग किया जाता है। जीएमडब्ल्यू वेल्डिंग में वेल्डिंग का आकार और डेप्थ फ्यूजन पाने के लिए जीएमडब्ल्यू वेल्डिंग में डीसीआरपी यानी के डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलारिटी को सेट करके वेल्डिंग का आकार और गहरा पेनिट्रेशन प्राप्त किया जाता है। उसका आधार गैस के प्रकार के ऊपर निर्भर होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर मेरी चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताना।